सर मसीहा बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी प्रकाश राजवल ने कार्यकर्ताओं को गाली दी कैसे सर पानी कोस कोस के अगली बैठक का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आज हमने सभी से बात किया है, यहाँ के लोगों का मनोभाव देखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद राजभर जी जीतेंगे और सबका आशीर्वाद, सर्व समाज का आशीर्वाद अरविंद राजभर जी को मिला। देखिए मैंने कहा कि बेहतर चुनिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने कई बार नकार दिया है। बैड एलिमेंट्स जब भी सत्ता में आते हैं गुंडे माफिया राज करते हैं और प्लाट मकान दुकान कब्जा करते हैं समाजवादी पार्टी के संरक्षण में, प्रदेश की जनता सपा को कभी माफ नहीं करती। माननीय जी विपक्ष का कहना है कि घोसी लोकसभा का उपचुनाव सेमीफाइनल था और लोकसभा फाइनल। देखिए विपक्ष एकदम फेल साबित होगा, जीरो सीटें प्रदेश में विपक्ष को मिलने वाली, घोसी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा गठबंधन ही जीतेगा। सर आपने कहा कि अरविंद राजभर जी को जिताइए, मैं सेवा करूंगा, तो मतलब वो मैं सेवा करूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं एक एक व्यक्ति की रोज करता हूँ और घोसी हमारा घर है, हमारा परिवार है, मैं सबकी मदद करूंगा। 19 के बाद से जनता सांसद जेल में रहे हैं और विकास नहीं देख पाई है। एक शर्मा जी हैं जो प्रदेश सरकार के मुख्य एजेंडे में है, घोसी को डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट के कार्य होने हैं उनकी रूपरेखा बनाएंगे कार्यकर्ताओं से बैठ करके और इसको अव्वल दर्जे का जिला बनाएंगे। सर मसीहा बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी प्रकाश राजवल ने कार्यकर्ताओं को गाली दी कैसे सर पानी कोस कोस के अगली बैठक अगली बैठक आवाज में भी दम नहीं है। एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि संचालक महोदय जी के द्वारा बताया गया, आज की आवश्यक बैठक माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अंतिम क्षण तक के लेके जाया जाएगा। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इस घोसी लोकसभा की धरती पर मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री पाठक जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मन पर विराजमान यहाँ पर आ चुका है तो फिर हमारा कुछ भी कहना कहीं ना कहीं एक दुस्साहस होगा। आज आपके मार्गदर्शन पर आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी, कैसे इस लोकसभा सीट को जीता जाएगा और किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य कैसे पाया जाएगा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों कैसे